भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही क्लियर मैंडेट है कि 1990 से 2005 में जो लालू जी ने जंगल राज कायम किया था, जिस घोटालों के पूरी सरकार थी, पूरे बिहार में अपहरण हत्या के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता था, उस समय जिन्होंने भी लड़ाई उस सरकार के खिलाफ लड़ी है उन सभी के लिए भाजपा के दरवाजे पर। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही क्लियर मैंडेट है कि 1990 से 2005 में जो लालू जी ने जंगल राज कायम किया था, जिस घोटालों के पूरी सरकार थी, पूरे बिहार में अपहरण हत्या के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता था, उस समय जिन्होंने भी लड़ाई उस सरकार के खिलाफ लड़ी है उन सभी के लिए भाजपा के दरवाजे खुले। जो व्यक्ति राजनीतिक तौर पे बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया हो, आज ना उनको कोई उनके दल में कोई पूछ रहा है, ना विरोधी दल में कोई पूछ रहा है, ना इस देश की राजनीति में कोई पूछ रहा है, और वह व्यक्ति जो इतना डरा हुआ हो कि बिहार का मुख्यमंत्री होने के बाद बिहार की जनता से मिलने में उसको डर लगता हो, शर्म लगता हो, झिझक लगता हो, इतने सारे समाधान यात्रा में वह एक जगह भी आम आदमी से मिल नहीं सके, ऐसे डरे हुए व्यक्ति को कौन अपने साथ रखना चाहता है? यह मेरा प्रॉब्लम नहीं है, जो नेताजी लोग जिस दल में जाते हैं वह उनका प्रॉब्लम है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि बिहार में भाजपा के संगठन को मजबूत करना, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। किस नेता को कौन ठगता है, किस नेता को कौन बेवकूफ बनाता है, कौन नेता किसके साथ रह करके झूठ बोलते हैं या साथ रहते हैं, यह मेरा हेडेक नहीं है। मेरा एक ही काम है, 2024 में हम 36 से ज़्यादा कैसे सीट जीत सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है, और इसमें पूरे बिहार की जनता साथ में है कि अगला भी प्रधानमंत्री 2/3 से ज़्यादा बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण बहुमत सरकार के कारण जनता ने यह देख लिया है कि 60 से ज़्यादा गरीबों के कल्याण की योजनाएं आज चल रही हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती के और किसान मजदूर समागम के उपलक्ष्य में इस देश के यशस्वी गृह मंत्री और हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी का पटना में आगमन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनके स्वागत के लिए तैयार है। और कोरोना काल में जब देश ठप हो गया था तो हम किसान अपने परिश्रम से मतलब प्रोडक्टिविटी इतना अधिक बढ़ाया कि आज हम सब जिंदा हैं। मजदूरों की अगर बात करें, स्वामी जी मजदूर के भी नेता माने जाते थे, सभी जमींदारों के खिलाफ मजदूरों के पक्ष में वो खड़ा रहे। आज पहला बार गरीब के लिए चिंतन अगर इस कठिन समय में किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, और फूड सेफ्टी एक्ट के सिक्योरिटी एक्ट के तहत आज 80 करोड़ परिवार को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। ये आज तक नहीं हुआ। इस सब परिपेक्ष को लेते हुए एक विशाल एकत्रीकरण होगा और उस दिन विस्तृत चर्चा होगी और किसानों से सीधा संवाद होगा, और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि उस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा कि मंच पे जो स्वागत होगा वो किसान का जो आभूषण है हल, हल से सभी नेताओं का और गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री जी का भी स्वागत होगा, ना कि कोई और मोमेंटो के रूप में आपको देखने को मिलेगा। आप सब यहाँ आए, और आप सब से मेरा आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए आप सब जरूर तैयार रहें, और आने वाले समय में पूरी भारतीय जनता पार्टी और स्वामी सहजानंद सरस्वती आयोजन समिति पूरे बिहार में दौरा करेगी, और किसान मजदूर का एक विशाल एकत्रीकरण आपको 22 फरवरी में 11 बजे बापू सभागार में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।